अभी फिलहाल हमारे साथ स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग तो हो गई है और साथ साथ में यहाँ पे भजन स्टार्ट है हनुमान चालीसा, बट हेमल अभी तक सो रहे हैं, ये जग ही नहीं रहे हैं। कब से जगा रही हूँ, जागिए हेमल जागिए, मॉर्निंग हो गई है, जागिए। मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं दीदी खुराबा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हरी मधुर लाइफस्टाइल में। एक बहुत अच्छे दिन के साथ मॉर्निंग हो गई है और आज ट्यूसडे है और थोड़ा लेट से मैंने आज स्टार्ट किया है, बिकॉज सुबह से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी काम में। और अभी आई थिंक अभी थोड़ी देर में आफ्टरनून हो जाएगा, वैसे अभी 11:30 बजे का टाइम है। और सुबह सुबह हमारे घर के पास ना अक्सर ऐसा ही माहौल होता है, सबके घर में से सीटियों की आवाज आती है, कुकर की, या तो फिर किचन में वो कोई मसाला पीसते हैं तो उसकी आवाज आती है, या तो फिर अच्छे अच्छे ना गुजराती भजन स्टार्ट होते हैं तो बैकग्राउंड में वो सब कुछ आप लोगों को सुनाई देगा। बट ना ये अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं अच्छी वाइब आती है, वो अच्छा लगता है। चलिए अभी ना जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, बोला था ना कि बैकग्राउंड में आवाज जरूर आएगी, तो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। बेडरूम की क्लीनिंग बाकी है, फिर देखते हैं कि आज ट्यूसडे में खाना दोपहर को क्या बनाती हूँ। तो खाना बन के एकदम से रेडी हो गया है कप का, बट ना हेमल भी आज कप से मार्केट से आ गए थे तो अभी जस्ट देखे यहाँ पे मूवी देख रहे हैं। बोलिए क्यों मूवी देख रहे हैं? बस मूवी देख रहा था। हाँ तो खाना बन गया है, चलिए अभी बैठ जाते हैं खाने। चलो चलिए, मैं तो कब से वेट कर रहा था। हाँ तो एक दिन करना पड़ा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, छुट्टी ही कहते है उसे। और आज खाने में क्या क्या बना है ना वो सबसे पहले दिखा देती हूँ, तब तक हेमल फ्रेश हो जाएंगे। क्या बनाया वो व्यूवर्स को पहले दिखा देती हूँ, फिर आपको भी पता चल जाएगा। ओके ठीक है, तब तक आप फ्रेश होकर आइए। बाय 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 बाय, जल्दी आना। क्या चौपाटी थोड़ी घूमने जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी, जल्दी आना। चलिए तब तक मैं दिखा देती हूँ कि आज दोपहर के खाने में क्या क्या बना है। आज दोपहर के लंच में राइस बना है, उसके साथ यहाँ पे दाल बनी है और सब्जियाँ मैंने दो बनाई है, जो कि एक सब्जी है वो मेथी की और आलू की सब्जी है, दूसरी सब्जी है वो स्पाइसी आलू की सब्जी बनाई है। एंड उसके साथ यहाँ पे ग्रीन चटनी है, फुलका रोटी है और साथ में यहाँ पे हमारे घर की बटर मिल्क है मक्खन वाली। सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और आजकल ना बिल्कुल वो ठंड है ही नहीं, इतनी गर्मी लग रही है ना अंदर रूम में भी, तो बाहर से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने और यहाँ पे इतना आवाज थी ना इसलिए, देखिए म्यूट ही नहीं करते टीवी को। और अभी फिलहाल कहाँ पे जा रहे हैं हम दोनों, जा पूछ क्या कहाँ पे जा रहे हैं? मुझे ना मार्केट में काम है, घर में सब चीजें फिनिश हो गए हैं ना, वो मार्केट से लेनी है बस, और फिर वहाँ से मुझे आपको ड्रॉप करने आना है कोमल भाभी के घर। ओके, और कुछ? और कुछ नहीं, वैसे मुझे जाना ही नहीं था, मुझे जाना ही नहीं था, मुझे भी वो आलस जैसा हो रहा था, बट क्या करूं, मार्केट में क्या है कि चावल फिनिश हो गए हैं, फिर दाल नहीं है, वो सब कुछ फिनिश हो गया है। और फिर ऐसे ही मंगवा लेते हैं ना तो चावल कोई भी आ जाते हैं घर पे, और या तो फिर दाल भी कोई भी आ जाती है, तो मैं मुझे ऐसा नहीं पसंद, मैं देख के परख के लेती हूँ, इसलिए मुझे चेक करके वो क्या बोलते हैं वो टेस्ट नहीं, वो नए वाले चावल भेज देते हैं, अगर कॉल करके बोले ना कि यही भेजना तो उसमें भी वो नए वाले, मुझे ना पुराने वाले हम लोग चावल यूज करते हैं। चलिए मार्केट जाना है, स्मार्ट बाजार कुछ पता नहीं है। ये क्या लगा है? वो अभी मैं वहाँ बालकनी में थे ना इसलिए। चलिए अभी चलते हैं, फिर पार्ट का कॉल आया था दोपहर को कि रिधि चाची यहाँ पे आना, तो थोड़ी देर वहाँ पे भी जाऊंगी इसलिए। चलिए इस अहमद को ना इतनी गर्मी में भी ठंड लगती है तो जैकेट पहन लेते हैं। जस्ट उठा, थोड़ी देर आराम कर रहा था, थोड़ी देर देखिए रात के 9:30 बजे बोल रहे हैं। हाँ बट 9 तो बची, मैं आया लेट ना, देखिए घर पे आके वापस किसने बोला था कि सो जाए, खाना खाने के बाद आराम नहीं किया, मार्केट चले गए और फिर मार्केट से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करे उसमें सो गए,
थक गया था इसलिए। चलिए अभी तो चलते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ कैंप हो गया है क्योंकि हम लोग सारा जो सब चीजें जो घर के लिए लेते हैं ना वो शॉप ही क्लोज हो गई है, तो अभी मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा स्मार्ट के साथ। वो आँख में सीधी लाइट आ गई है, वो रास्ते में ना थोड़ी बात अधूरी रहेगा, तो वहाँ पे तो शॉप क्लोज है, तो स्मार्ट बाजार जा रही हूँ सीधा। और अभी यहाँ पे फिलहाल फ्यूल भरवाने के लिए रुके हैं, थोड़ा बाइक को भी खाना दे देते हैं इसलिए। चलिए तो अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे स्मार्ट बाजार। और स्मार्ट बाजार की अच्छी बात है कि क्या है ना कि ये 10 बजे तक ओपन रहता है, जैसे मार्केट से नहीं मिलती ना वो यहाँ पे 10 बजे तक वो ओपन रहता है, तो ये अच्छी बात है बहुत ज्यादा है। ये क्या कर रही है ओरिक्स, क्या ले रही है इतनी सारी चॉकलेट्स? देख रहे हो फ्लेवर? ले लो। नहीं ले रही, वो तो सिर्फ देख रही हूँ, फ्लेवर देख रही हूँ। फ्लेवर देख रही हूँ, कौन सी लेनी है वैसे? सिल्क ले लो। हाँ वही है ना, टू टेन का। और मैं ना ये लेने का सोच रही हूँ क्रैकर्स, वो ऐसे खाएंगे ना ये सारी की सारी ले लो, कोई बात नहीं। नहीं वो मुझे फ्लेवर अच्छा नहीं। कौन सी वाली ली है? क्रीम एंड ऑनियन। क्या क्रीम एंड ऑनियन? इसी की आवाज आएगी। नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। स्पीकर हो क्रीम एंड ऑनियन और मसाला? मसाला नहीं है। पुदीना? नहीं पुदीना नहीं है। ये कौन सी वाली? चाट चस्का है। चाट चस्का, चलो। और कुछ ये ले लो ना। नहीं वो सब रंबल है, वो सब वो ऐसे ही आती है, पुदीना फ्लेवर है। रिच, तुम्हें खानी है केक? फ्रूट केक? मैं नहीं बोला इसलिए तो नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो इतना? ये लो ट्रॉली कहाँ पे रख के आई? वो काम क्या है? देखो स्मार्ट गर्ल इसे ही बोलते हैं। वहाँ से वापस बाहर ले जाना होता है। चलिए तो जो कुछ भी घर के लिए चीजें लेनी थी वो सारी की सारी ले ली है। और जब भी स्टार्ट करते हैं ना तो हॉर्न की आवाज, बाइक की और वो रिक्शा की किसी ना किसी की आवाज रहती है। बाइक लेकर बाइक ना वहाँ पे पार्क किया है पार्किंग में, इसलिए हम बाइक लेने गए हैं। और थोड़ी बहुत चीजें यहाँ से मैंने ले ली है, दूसरी बाद में सब कुछ वो वहाँ मार्केट वाली शॉप से लूंगी। और आधी चीजें मैं यहीं से लेती हूँ और आधी वहाँ से लेती हूँ, तो ऐसा सब कुछ होता है घर के लिए। अब जो यहाँ से लेनी थी वो सब ले ली है, दूसरी जब वो कल शॉप ओपन होगी तब वहाँ से ले लूंगी। अभी वापस से मैं घर पे पहुंच गई हूँ और किचन के लिए ही वैसे सामान लेना था। यहाँ पे मार्केट में तो शॉप क्लोज थी इसलिए फिर स्मार्ट बाजार गई और वहाँ से मुझे चावल लेने थे, फिर दाल लेनी थी, और दाल भी एक नहीं थी तीन चार दाल लेनी थी, जैसे कि मूंग की दाल हो गई और फिर मुझे वो क्या कहते हैं तुअर दाल, उसे हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, वो दो तीन जात की अलग अलग दाल थी वो भी सब लेनी थी। तो सारा सामान लेके वापस घर पे आ गई हूँ और थोड़ा बहुत सामान बाकी रखा है वो यहाँ वहां पे अवेलेबल नहीं था, तो वो यहाँ शॉप से कल परसों मंगवा लूंगी या तो फिर मैं जाके ले लूंगी। और क्या होता है ना कि अक्सर स्मार्ट बाजार जब भी जाती हूँ ना तो जो कुछ भी लेना होता है वो तो लेके आती ही हूँ, बट वो जो आडा आडा है ना वो भी लेके आ जाती हूँ क्योंकि वहां पे सब खाने पीने की चीजें होती है, तो वो भी साथ में लेके आ जाती हूँ। तो सब कुछ लेके आई हूँ बहुत सारी चीजें,
अभी किचन में उन सबको सेट करके अच्छी तरह से रखूंगी, फिर रात का गरम गरम डिनर बनाएंगे और डिनर करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल हैरी मधु लाइफस्टाइल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। I know it's hard to put one foot